जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको पता है जिस तरह से पहले मैंने बच्चे जी भेज दिए थे और सब भाइयों का मैसेज आ रहा था भाई जो है ना अपने आगे जो ब्रीड होगी ना वो ऊपर शिफ्ट करें अपने कबूतरों के बच्चे, तो होम ब्रीड जी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, जो बच्चे दिखाता हूँ साथ में उनको कड़ियाँ डालते हैं इनका लेके शेयर करें। तो लें दोस्तों ये देखें जी आगे हमारी जो ब्रीड हो रही है, ये देखें आपके सामने बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से हैं। ये देखें एक ये है जी, इनको अभी कड़ियाँ नहीं डाली हमने, तो कड़ियाँ शड़ियाँ भी डालेंगे। देख रहे हैं गंदे हो रहे हैं सर्दी की वजह से। ये जी दो बच्चे ये हो गए दोस्तों, और इनको हल्की कड़ियाँ कड़ियाँ मैं डालता हूँ, और जो आ गए हैं वो भी दिखाता हूँ। अभी बच्चे काफ़ी हैं दोस्तों, मैं जो है ना साथ साथ में इनको रिंगे डालता जाता हूँ, साथ में शुक्र होता जाता हूँ। ये वो बच्चे हैं जो मेरा जोड़ा है वाला कबूतर साथ लगाया हुआ है और अपनी 10 नंबरी पट्टी लगाई हुई है, वो इधर बैठी हुई सॉरी अंदर ही है वो, तो उनके ये दो बेपिजन है जी। तो आगे दोस्तों मैं आपके साथ जाना इनको कड़ी डाल के फिर शेयर करता हूँ। लें दोस्तों ये जी मेरे 15 नंबर जोड़े के बच्चे हैं दोनों, ये देखें मैंने 15 नंबर जो है ना इनको कड़ी सॉरी यार कड़ी वो देखें कहाँ फेंक दी है जी बच्चे ने। और बच्चे आपको दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, ये देखे बच्चे थोड़े से ना दरअसल गंदे हो रहे हैं, ये देखे ना सर्दी की वजह से अभी इनकी नई नहलाई करवाएंगे इंशाल्लाह, जब जो है ना मौसम जो समरा खुलेंगे ना तो फिर ही जो है ना वो मजा आएगा। बाकी ये दूसरी कड़ी जरा मैं जो है ना इसको बच्चे को डाल देता हूँ 15 नंबर, ये देखें अभी छोटे छोटे दोस्तों बच्चे हैं। रुक जा यार एक तो जो है ना ये देखें साथ में आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ ना, इस वजह से तंग हो रहा हूँ थोड़ा सा। बाकी इनके दोस्तों पंजे छंजे भी गंदे हो रहे हैं, दरअसल सफाइयाँ नहीं ना करनी, क्योंकि सफाइयाँ की ना तो फिर काम खराब हो जाता है सर्दियों में। जब मौसम खुलेंगे इंशाल्लाह सफाई भी कर देंगे। ये दोस्तों बाकी इसको कड़ी डाल गई 15 नंबर, और दूसरे वाले को भी मैं डाल देता हूँ। लें दोस्तों ये दूसरे बच्चे को भी मैंने जो है ना कड़ी डाल दी। दरअसल इसको जो है ना वो सीने के साथ लगा के ना बच्चे को, तो फिर मतलब कड़ी डालें ना तो फिर इजीली डाली जाती है। तो यहाँ पे आपको भी दिखा रहा हूँ, इस वजह से ना तंग हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो दोस्तों दूसरे बच्चे मैं लेके आता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। तो नहीं दोस्तों ये जी आगे आगे माशाल्लाह से 10 नंबरी, और ये भी किस्मत किस्मत की बात होती है जी, काफी भाइयों को बच्चे भेजे हैं ना, तो इससे पहले ब्रीड ही नहीं 10 नंबरी ने की थी, आज ही माशाल्लाह से 10 नंबरी के ये दो बच्चे हैं। और 10 नंबरी इनको कड़ी डाल देते हैं हम जी, यहाँ से निकाल के अगर कड़ियाँ मिल गई तो कड़ियाँ दरअसल जो है ना काफी टाइम हो गया मैं न्यू लेके नहीं आया, वही जो है ना वो पुरानी पड़ी हुई है। ये देखें जरा इधर से करके ना आपको मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ व्यू, ये देखें वही पुराना है, मतलब शापर जो पड़े हुए थे, ये 8 नंबरी है, ये 11 नंबरी है, 10 नंबरी पता नहीं मिले या ना मिले। लें दोस्तों ये जी इसको 10 नंबरी कड़ी में डालने लगा हूँ, मुश्किल से ये जो है ना दोस्तों मिली हैं कड़ियाँ भी दो, और पुरानी कड़ियाँ मतलब हो गई हैं ना, अब न्यू लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी क्योंकि 10 नंबर काफ़ी टाइम से ब्रीड नहीं ना की, तो मेरा इसकी तरफ जो है ना वो ध्यान ही नहीं गया। ये देखें ये हो गया जी स्लेटा सा बच्चा इन्होंने निकाला, जीरा सा, ये देखें क्योंकि माँ स्लेटी है ना तो कबूतर में भी आ गए जो है ना वो स्लेटी तरह के पारा आ रहे हैं, गोल्डन कबूतर है। ठीक है ये देखें ये मेरा जी 10 नंबरी हो गया। ठीक है और दूसरे वाला बेपिजन मैं दिखाता हूँ। लें दोस्तों ये दूसरे वाला बेपिजन है जी, और ग्रोथ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इनकी हुई है, हेल्दी हुई है जी। रुक जा यार एक क्या लग गया हाथ को, ये देखें जी ग्रोथ माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी हुई है इनकी, पलवाई देखें कितनी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों ये जो है ना मैं पहले लें दोस्तों दूसरे बच्चे को भी डाल दिया जी कड़ी हमने, ये देखें। अच्छा दोस्तों ये जो है ना आपको नज़र आ रहे होंगे नहलाई देने वाली है जी इनको, और अंदर का अगर आपको व्यू दिखाऊं तो लकड़ी के वो बारदाने मैंने लगाए हुए हैं, इस वजह से जो है ना ये इनके हो जाते हैं खराब पार्शर, अगर वो खुला डुला माहौल हो ना तो फिर उसमें नहीं होते। तो बाकी ये दो बच्चे हो गए दोस्तों, तो इंशाल्लाह इनको रोकने वाले बनाया हुआ है हमने, तो अगर काम भी रोकने वाला करेंगे तो फिर ही जो है ना हम इनको रोकेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना ये अपने मतलब छत पे मैं उड़ाऊंगा इन बच्चों को, तो इनका शेयर भी जो है ना आपके साथ जरूर व्यू करूंगा। अभी छोटे हैं तो हल्की घड़ी जो है ना इनको ऊपर ही नीचे छोड़ देते हैं, तो क्योंकि अभी दाना शाना कर अभी तो ज़्यादा छोटे हैं, देख रहे हैं आपके सामने हैं ये तो बच्चे जो है अभी चौक शौक ले रहे हैं, दूसरे भी आपने देखे हैं दो वो भी छोटे हैं। तो इस साइड में दोस्तों तकरीबन दो बच्चे और हैं, वो देखें एक वो सामने खड़ा है नज़र आ रहा है जी, वो देखें एक ये है एक दो और है इधर। तो दूसरी साइड का भी अगर मैं विज़िट करता हूँ तो आपके साथ शेयर करता हूँ कि दूसरी साइड में कितने बच्चे निकले हुए हैं।
लें दोस्तों, दूसरी साइड में एक ये व्हाइट बेपिजन आया। ये आपने उस वक्त देखा था, दो भाई थे, तो जो बच्चे एक्सपायर हुए थे उनमें से दूसरा भाई इसका था जो नहीं बच सका था। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, नौ नंबरी के वो बच्चों के बारे में भी मुझे काफी भाई जो है ना पूछ रहे हैं। मुझे याद आ गया कि जो ना मैंने इधर मादी जो है, आपको पता नौ नंबरी मेरी उस वक्त, उसको दिल का अटैक हुआ था, वो मर गई थी जी, और उसके बच्चे जो आगे पलवाई हो रही थी, वो भाई जो है ना मुझे काफी पूछ रहे हैं कि यार उसका आपने बाद में बताया नहीं। तो दोस्तों देखे, मैंने तो बहुत कोशिश की थी उसको बचाने की, बाकी वो नहीं बच सके थे। जो माँ बाप मतलब अपने बच्चों की ग्रोथ करता है, वो हमसे तो नहीं ना हासिल हो सकती। बाकी वो बच्चे जो है ना वो एक्सपायर हो गए थे। तो बाकी ये दोस्तों एक न्यू पेयर किया हुआ है, ये देखें, ये इसका माशाल्लाह से पर्पल है जी, और ये इसकी टेल है, और व्यू देखें इसका माशाल्लाह से बिल्कुल ही व्हाइट जो है ना निकला है, गोल्डन हालांकि तस्वीर वाला कबूतर है, और व्हाइट जो है ना इसके साथ मादा लगी, इस वजह से इन बच्चों का ये व्हाइट कलर निकला हुआ है, ये देखें। बाकी ये आंख भी है इनकी हल्की घड़ी, तो आंख जो है ना इंशाल्लाह अपनी जो है करेंगे। ये बच्चा जो है ना थोड़ा सा वीकनेस के अंदर था, ये देखें, इस वजह से मैंने जो है ना ये नहीं भेजा था। बाकी इंशाल्लाह इसको भी छोड़ेंगे जी ऊपर, तो अभी हल्की घड़ी इसको भी नीचे छोड़ देते हैं इधर, ताकि ये जो है ना अभी अच्छे तरीके से दाना शाना कर ले, जब थोड़ी सी सर्दी कम होगी फिर इंशाल्लाह इसको भी ऊपर शेयर करेंगे। तो मैं दोस्तों दूसरे जो है ना आपके साथ बच्चे फिर शेयर करता हूँ, और कितने ही साइड में ले दोस्तों। आगे दो जी हमारे वो चूहे कबूतर के आगे बेपिजन, ये देखें जी, ये गए नजर आ रहे हैं माशाल्लाह से, और ये भी देखें तो कितने ज्यादा गंदे हो गए हैं। दरअसल ये जो है ना उनके नीचे से खाने में जो है ना उन्होंने अंडे दिए थे, फिर वहां से जो है ना वो बच्चे निकले, और ऊपर से बीठे कर करके ना दूसरे कबूतरों की हालत देखें क्या कर दी। मेरे पास अब जो भी ब्रीड आगे देख रहे हैं ना, वो इसी तरह के मतलब बच्चे हो रहे हैं, गंदे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा ना, आपको पता है कबूतर फिर बीठे शीठे करते हैं, ये खुद बीठे करते हैं, तो फिर जो है ना वो सारा जो है ना वो केज गंदा कर देते हैं, और फिर इस तरह का मसला जो है ना हो जाता है। तो वो आपको बताया जिस तरह से नहलाई इंशाल्लाह करेंगे ना तो हो जाएगा। हालांकि पहले भी जो ब्रीड हुई थी उसमें इतना नहीं था, वो बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे। तो हाल की घड़ी जो आगे ब्रीड हो रही है वो उसका ये हाल हो रहा है, तो कोई नहीं इंशाल्लाह हो जाएंगे वो, कोई नहीं आगे जैसे मौसम सर्दी का आपको पता, बस थोड़े रह गया, एक दो हफ्ते की बात रह गई है बस, जिस तरह से फिर सर्दी कम होगी ना तो फिर भी जो है ना वो शोक का मजा आएगा सही। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है ना बच्चे मैं दिखा देता हूँ, वैसे वो चूहे जोड़े के जो सियालकोट से हमें गिफ्ट आया था जोड़ा, ये उसके बच्चे हैं दोनों, मैंने कड़ी छड़ी अभी वैसे इनको कोई नहीं डाली हुई, तो हाल की घड़ी ऐसे जो है ना इनको भी छोड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट जो है ना वो बेपिजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लें दोस्तों आगे माशाल्लाह से आगे जी हमारे एक नंबरी जोड़े के माशाल्लाह से बेपिजन, ये देखें जी, एक ये बड़े वाला है वो छोटे वाला है, तो ये भी जी इस बार इंशाल्लाह अपनी छत में छोड़ेंगे, तो इनको भी जी कड़ी डाल देते हैं हम एक नंबर की, यहाँ से निकाल लेते हैं हम कड़ी। एक तो जो है ना वो कड़ियाँ नहीं हूँ लाने वाली हैं, कड़ियाँ जो है ना वो मिलती नहीं है फिर बीचने से, यहाँ से ये देखें ये मिल गई है। ले दोस्तों ये जी एक बच्चे को कड़ी डाल दी है, ये देखें ये भी गंदे हो रहे हैं नजर आ रहे हैं जी, और ये माशाल्लाह से काफी प्यारे जी बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह मजा देंगे, ये भी छत पे छोड़ेंगे। तो छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, तो ये वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो इंशाल्लाह अब अपना जो है ना वो शो करेंगे इंशाल्लाह इन बच्चों के साथ। जो भाई पूछ रहे थे ना मुझे कि यार भाई अपनी छत पे बच्चे शिफ्ट करें, तो आगे ये भाई ग्रोथ जो हो रही है ना ये इंशाल्लाह अपनी छत पे छोड़ेंगे, क्योंकि पहले सर्दी ज्यादा थी और सर्दी में जो है ना नुकसान हो जाता है बच्चों का छत पे मतलब ऊपर छोड़ें तो बाकी आगे जो होगी ना तो ये छोड़ेंगे। दूसरे वाले बच्चे को मैं कड़ी डालता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। लें दोस्तों आगे जी आगे माशाल्लाह से हमारे 18 नंबरी, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये भी जी इस बार छोड़ेंगे अपनी छत पे भी। ये देखिए 18 नंबरी, एक आपने पहले देखा था वो एक ही बच्चे की ग्रोथ हुई थी पहले, तो वो जो है ना इधर भेज दिए हैं गुजरात में, तो जो आगे नेक्स्ट हो रहा है वो ये हो रहा है, देखें अभी छोटा सा बच्चा और दोस्त बाहर देखें बच्चे का कितना प्यारा है जी माशाल्लाह। ये बड़े वाला है और वो छोटे वाला जो पीछे आपको नजर आ रहा है, दोनों भाई हैं, तो इनको भी जी 18 नंबरी हम कड़ी यहाँ से डाल देते हैं। ये देखें पहले जो है ना मैं दोस्तों इनको येलो कड़ी डाला करता था, वो फिर मेरे पास खत्म हो गई थी, अब जो है ना मैं इनको डाल रहा हूँ रेड कलर में, ये देखें ये वाली कड़ियाँ, क्योंकि ये जो है ना मैं फिर न्यू लेके, हाथ देखें मेरे गंदे हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो है ना वो उनकी कंडीशन इस तरह की है। दरअसल इस बार जो है ना वो काम नहीं किया जो पहले मैं किया करता था, फक नीचे डाल देते थे ना तो उससे कबूतर जो है ना वो बच्चे जो है वो सही रहते थे, तो ये जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार सर्दी अभी मतलब नहीं जा रही, तो वही जो है ना वो काम बेस्ट रहेगा, इनको नीचे जो है ना वो फक डाल देते हैं, इससे जो है ना बच्चे ठीक हो गए चौकस होकर बैठे रहते हैं एक जगह पे। तो मैं वैसे जो है ना इनके कैबिन चेंज कर देता हूँ, एक में ज़्यादा मतलब बीठियाँ हो जाती हैं ना तो दूसरे में कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा है ना हमने कैबिन बनाए हुए जोड़े कम है हमारे पास, तो कैबिन फिर ज़्यादा बनाए हुए हैं इसी वजह से, तो वो फिर जो है ना वो चेंज कर देते हैं। ये देखें जी ये इसको कड़ी डाल गई जी, वो गिरने लगा था बच्चा, सॉरी
एक तो खेल रहा हूँ ना, तो फिर आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये 18 नंबर की कड़ी है, तो इनको भी मैं छोड़ देता हूँ और देखते हैं अगर कोई बच्चा हो तो अंदर पड़ा। लें दोस्तों आगे मजीद इस तरह के दोस्तों तकरीबन 10 से 12 जो है ना वो बच्चे होंगे, जो भी इतने इतने हैं, छोटे छोटे हैं, तो उनको नहीं अभी कड़ी डालेंगे जी। बाकी दाना शाना करवा रहा हूँ मैं कबूतरों को। ये देखें जी, ये मैं डाला हुआ है इनको प्रमाण प्लस। ये देखें, एक इस साइड में रखा हुआ है, एक बर्तन दूसरी साइड में रखा हुआ है। और ये भी आप अपने ब्रीडर कबूतरों को जरूर रखा करें, क्योंकि वो बच्चे पालते हैं तो इससे जो है ना वो फिर इससे सेट रहता है, उनके अंदर की जो कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी होती रहती है। ठीक है दोस्तों, अपने रिकमेंड सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपको ये मैंने आज जो बच्चे शेयर किए हैं अपनी छत पे छोड़ने के लिए कैसे लगे हैं। अभी इंशाल्लाह नहलाई नहलाई करवाएंगे इनका, इतने फिर ना केयर नहीं की ना, क्योंकि अगर भेजने हो ना कहीं तो फिर टेंशन होती है बंदे को कि यार किसी को जो है ना वो बुरी चीज ना आ जाए, गंदगी वाले बच्चे ना हो, तो आप अपनी छत पे छोड़ने, अब उसकी जो है वो टेंशन नहीं इतनी होती कि चलो यार अपने पास ही रहने आना। तो खैर इनको जो है ना वो करेंगे खुद ही नहलाई नहलाई करवा लेंगे इंशाल्लाह जब धूप छूप निकलेंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा अल्लाह हाफिज़।